हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कल मैंने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरह से गूगल प्ले गेम्स एमुलेटर को यूज करते हुए फ्री फायर को पीसी पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ था कि फ्री फायर में इंटर होने के बाद माउस लॉक एंड अनलॉक बटन काम नहीं करता। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को इसी प्रॉब्लम का एक वर्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट से तक लाजमी देखेगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, हम लोग पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल प्ले गेम्स का जो एमुलेटर है उसको ओपन करना है एंड उसमें हम लोग फ्री फायर मैक्स को ओपन कर लेंगे। जब तक हमारे पास फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्री फायर को ओपन करने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड ये जो प्रॉब्लम है माउस लॉक एंड अनलॉक वाली, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो मैं माउस को लॉक एंड अनलॉक करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन माउस लॉक एंड अनलॉक नहीं हो रहा। बाकी जितने भी बटन्स हैं, लाइक जॉयस्टिक वाला बटन, उससे आप लोग मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों का माउस लॉक एंड अनलॉक बटन काम नहीं करेगा। अगर हमारा माउस लॉक एंड अनलॉक काम नहीं करता तो हम लोग स्क्रीन को 360 डिग्री रोटेट नहीं करवा सकते। अगर आप लोगों को भी ये वाली प्रॉब्लम आती है तो इसका बहुत ही इजी सा सोल्यूशन है, जिसके लिए सिंपली से आप लोगों ने यह करना है कि विंडो का ये जो टास्क बार होता है इस पे आप लोगों के पास एक सिस्टम ट्रे मिल जाती है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो गूगल प्ले गेम्स पीसी एमुलेटर का लोगो होगा इस पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये जो डेवलपर ऑप्शंस होंगे इनको अगर आप लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे टच स्क्रीन पे होगा, लेकिन आप लोग इसको पीसी मोड यानी कि कीवी माउस पे सेट कर देंगे। जैसे आप लोग इसको पीसी मोड पे सेट करते हैं तो आप लोगों का माउस लॉक एंड अनलॉक करना स्टार्ट कर देगा और आप लोग अपनी स्क्रीन को 360 डिग्री भी रोटेट करवा सकते हो। अभी आप लोग इस एमुलेटर में जिस तरह से भी फ्री फायर को प्ले करना चाहें आप लोग इजिली प्ले कर सकते हैं। फिर भी गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।